गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 12। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ का आपका पूरा नाम बता रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, जैसे मस्तिष्क में विषाणु जनित चार रोगों के नाम बताइए। मस्तिष्क में विषाणु जनित चार रोगों के नाम बताइए जो आपके हैं चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू ज्वर, खसरा, रेबीज आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणुओं के नाम बताइए। वो हैं आपके राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु। राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु जो होते हैं, ये मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणु होते हैं। अगला है, रियोमैटिक हृदय रोग क्या है? रियोमैटिक हृदय रोग क्या है, इसके कारक का नाम बताइए। इसके कारक का नाम बताइए। सारे क्वेश्चन बेटा आपको चैप्टर के लास्ट में जो एनसीईआरटी पर आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें मिलेगा। मतलब क्वेश्चन है, रियोमैटिक हृदय रोग क्या है, इसके कारक का नाम बताइए। तो रियोमैटिक हृदय रोग में हृदय के कपाट नष्ट हो जाते हैं। इसका कारक होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु इसका कारक होता है। अगला मैं आपको बता रहा हूँ, MALT का पूरा नाम क्या होता है। MALT मतलब म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फाइड टिश्यू। CMI का पूरा नाम क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस। इन चारों का पूरा नाम आपको NCERT बुक में लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है। अगला मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, मेटास्टेटिस का क्या अर्थ है, इसे इसका अर्थ बताइए, मतलब इसकी व्याख्या कीजिए। मेटास्टेटिस मतलब जब कैंसर कोशिकाएं एक ऊतक से दूसरे ऊतक, जब कैंसर कोशिकाएं एक ऊतक से दूसरे ऊतक या अंगों में स्थानांतरित होती हैं तो वहाँ द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं, तो वहाँ आपको सेकेंडरी ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेटिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं रुधिर के माध्यम से, मतलब ब्लड के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं, नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पीलिया रोग के कारण तथा लक्षण बताइए। पीलिया रोग के कारण तथा लक्षण बताइए, इसकी जांच कैसे की जाती है। मतलब सपोज दैट किसी व्यक्ति को अगर पीलिया हो तो उसकी जांच कैसे की जाती है। पीलिया रोग के कारण या लक्षण, पीलिया या विषाणु से होने वाला एक रोग होता है। पीलिया विषाणु से होने वाला एक प्रकार का रोग होता है, इसे सामान्य भाषा में पीलिया ही बोलते हैं। इसे सामान्य भाषा में पीलिया ही बोलते हैं। मतलब इसका जो कारण होता है, यकृत में सूजन आने के कारण यकृत का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, उसी से पीलिया रोग होता है। और हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस जो मैंने आपको इसके पहले बताया था, हेपेटाइटिस या पीलिया 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है ABCD और E होता है। और इसके लक्षण जो होते हैं, ज्वर, उल्टी आना, यकृत का बढ़ जाना, पीलिया आदि इसके सामान्य लक्षण होते हैं। पीलिया या हेपेटाइटिस का परीक्षण कैसे किया जाता है, मतलब इसका टेस्ट कैसे, इसका जो टेस्ट होता है बेटा, पीलिया का 3 प्रकार का होता है। एक होता है SBT, दूसरा होता है SGPT, तीसरा होता है ELISA। तो SBT का पूरा नाम होता है सीरम बिलुरिन टेस्ट, और SGPT का पूरा नाम होता है सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांसएमिनेज, और ELISA का पूरा नाम होता है बीकर संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। ये आपका पीलिया हुआ। पीलिया के कारण क्या है, रोग क्या है और इसकी जांच कैसे की जाती है।
अगला मैं आपको बता रहा हूँ स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम बताइए, स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम बताइए और उनके रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। स्वाइन फ्लू जो होता है यह आपका विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है, विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है जो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, विषाणु मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्वारा जब मिले होते हैं, एक प्रकार का विषाणु होता है उस विषाणु द्वारा ये होता है। इसका लक्षण जो होता है रोगी को 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बुखार होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बुखार रहता है, शरीर में कपकपी, सिरदर्द और कफ बनता है, भूख कम लगती है। इस रोग का उद्भव काल लगभग 1 से 4 दिनों तक होता है, मतलब 1 से 4 दिनों तक इसका समय होता है किसका, स्वाइन फ्लू बुखार का। इसका रोकथाम और उपचार जो होता है मतलब टीकाकरण इस रोग के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियाँ होती हैं, पहली औषधि का नाम होता है जेनामिविर, दूसरी औषधि का नाम होता है रेलेंजा तथा और आपकी दूसरी एक प्रकार की औषधि और होती है जिसको बोलते हैं टेमीफ्लू। रोगों मतलब ये आपकी औषधि जो होती है रोगी को दवा के रूप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन भागों में निम्न घटनाएं होती हैं, शरीर के अंग तथा पोषक का नाम बताइए। जैसे आपका 4 प्रकार के नाम है, संसेचन, बीजाणुओं का निर्माण, अमीबी अवस्था, अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम बताते हैं आपको संसेचन, यह क्रिया जो होती है आपकी पोषक द्वारा होती है, जो कि इसमें कौन होता है, मादा एनिफिलीज मच्छर होता है, मादा एनिफिलीज मच्छर के क्राफ्ट या अनुपट में होती है। अगला है बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का निर्माण भी मादा एनिफिलीज मच्छर से ही होता है, मतलब मादा एनिफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगला है बेटा अमीबी अवस्था, जो मनुष्य के लाल रुधिराणुओं में होते हैं। लास्ट है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है मनुष्य की यकृत कोशिकाओं तथा लाल रुधिराणुओं में इसकी विभिन्न अवस्था पाई जाती है। ओके थैंक यू बेटा, अगले टर्न पर हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।